192 ये लिखा हो गया 198 198। अब इसमें ऐसे लिखना है हमें राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें क्या लिखना है, नंबर नेम लिखने हैं। पहले हमने नंबर्स लिखे थे, अब हमें नंबर नेम लिखना है। 700 अवांस 1000 तो 743 तो 743 हमने लिखा। फिर वांस 600 मतलब कि 651। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर ऑफ द फॉर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स के लिए क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, मतलब कि हमें बड़ा करके लिखना है। तो 659 तो वांस 1000 तो ये 100 स्पेस पे है तो कितना आया 600 तो वांस 10 सी 10 स्पेस पे है तो कितना आया 10। ये इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, ये वांस स्पेस पे इसलिए 0 ना ही अकेला आया। अब हमें ये ध्यान रखना है अगर जितने भी डिजिट के पीछे नंबर होते हैं, जैसे कि इसके पीछे 2 डिजिट है, 6 के पीछे 2 डिजिट है तो 20 लगाया, 5 के पीछे 1 डिजिट है इसलिए हमने 10 लगाया, 9 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं इसलिए हमने 0 नहीं लगाया। ऐसे ही तो हमें 6 कितना है, 600 है, 5 10 है, 9 1 है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आप कर लेना आपकी बुक में जो है। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो 500 प्लस 1 10 प्लस 100। अब देखो 500 हमें पता है 100 100 स्पेस पे आता है, इसमें 2 डिजिट पीछे होते हैं तो 5 के पीछे हमने कितना डिजिट लगाया, 0 लगाया, 2 0 लगाया। अब 110 हमें पता है कि 110 इज इक्वल टू कितना होता है 10, तो यानी कि 1 एज इट इज और 10 मतलब कि सिंगल 0 और 1 स्पेस पे कोई भी 0 नहीं आता साथ में इसलिए 1 एज इट इज। तो कितना हो गया ये 511 यानी कि 511। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें जो फिल द ब्लैंक्स दिए हैं वो फिल करने हैं। क्या है क्वेश्चन में, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, आफ्टर मतलब हमें पता है बाद में, आफ्टर मतलब हमें पता है क्या होता है बाद में। तो बाद में क्या आएगा, 268 के बाद में क्या आता है 269, 599 के बाद में क्या आता है 600। ऐसे ही व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, बिफोर मतलब कि पहले, बिफोर मतलब क्या होता है पहले, तो 300 के पहले क्या आता है 299 और 521 के पहले क्या आता है 520। वैसे ही हमें क्या करना है, थर्ड वाला व्हाट कम्स इन बिटवीन, बिटवीन मतलब कि बीच में क्या आएगा 831 833, तो यानी कि 831 832 833। ऐसे ही 280 बीच में क्या आ रहा है बताना है 282, क्या हो गया ये 280 281 282। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक, राइट टिक करना है लार्जेस्ट नंबर के लिए, लार्जेस्ट नंबर के लिए राइट टिक करना है एंड सर्कल, हमें सर्कल बनाना है जो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इस स्लाइड में देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा 111 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर पे हमने क्या बनाया सर्कल बनाया। और जो क्या है टिक करना है, जो सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है उस पर क्या करना है टिक करना है, तो 900 सबसे बड़ा है इस पर हमने क्या कर दिया टिक कर दिया। पुट हमें ये साइन पुट करने हैं जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें, तो 322 344 इसमें से जो कौन जिस दो बड़ा होता है ये ग्रेटर देन का साइन होता है हमारा, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया 344। जिस साइड ये इसका फेस ओपन होता है उस साइड कौन सा डिजिट होता है हमारा लार्जेस्ट डिजिट होता है। ऐसे ही 522 522 दोनों इक्वल है तो हमने इक्वल का साइन लगाया। ऐसे ही 902 और 100, अब ये स्मॉलर देन ये ग्रेटर देन का साइन है, देखो अब ये ग्रेटर देन का साइन 902 इस ये बड़ा है इसकी इसकी साइड में फेस ओपन किस साइड आएगा 902 पर आएगा। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा छोटा छोटा, तो 241 250 247 288 280। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमें पता है 288 सबसे बड़ा नंबर लिखा हमने, फिर उसके बाद में 280 वो लिखा हमने, फिर 250 फिर 247 241। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, रीड द नंबर शोन ऑन द बेकर्स एंड राइट इट डाउन इन द बॉक्स प्रोवाइड, जो आपको बॉक्स दिए हुए हैं उनमें क्या लिखना है नंबर शो, बेकर्स जो है उसमें नंबर शो किए हुए हैं उन नंबर्स को आपको बॉक्स में लिखना है। तो पहले तो हमें काउंट करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है 1s 10s 100 वो मतलब 1s ये 10s ये हो गया हमारा 100, तो 1 स्पेस में क्या है
1, 2, 3, 4, 5 हमने 5 लिखा, टेस्ट स्पेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 लिखा, 100 स्पेस पे क्या है 1, तो 165 हो गया, ये 423 हो गया। नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें और इसमें फेस वैल्यू। तो ये बताने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये प्लेस वैल्यू होती क्या है और फेस वैल्यू होती क्या है। प्लेस वैल्यू होती है मतलब प्लेस हमें पता है जगह कौन सी जगह पे, क्योंकि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो बताना है कि वो कौन सी जगह पर बैठा हुआ है, ऐसे ही इसमें बताना है प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है, जैसे कि इसमें मैंने पूछा आपसे 7 कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे, आप अपने से जगह का नाम, हमने नाम दे रखा है इसको जगह को। ये क्या हो गया हमारा वर्ब्स, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड, नाम दे रखे हमने वर्ब्स टेंस हंड्रेड। अब मैंने पूछा आपसे 7 के बारे में, 7 कहाँ बैठा हुआ है, प्लेस वैल्यू बताओ उसकी, 7 कहाँ है, 7 बैठा हुआ है टेंस प्लेस पे, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे 7 टेंस, ऐसे लिखेंगे। अगर मैंने पूछा 5 कहाँ बैठा हुआ है, तो आप बताएंगे 500, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7, 7 के पीछे कितने जीरो हैं, मतलब 7 के पीछे कितने डिजिट हैं 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 0। ऐसे ही 5 के पीछे कितने डिजिट हैं 1 2, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 00, क्योंकि 2 डिजिट है पीछे। ऐसे ही हमने प्लेस वैल्यू बताई, प्लेस वैल्यू मतलब कि वो कौन सी जगह पर बैठा है, जगह के नाम हमें पता ही है 1 stands 100। अब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कि फेस वैल्यू होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि अगर मैंने बोला 375 इसमें इसकी फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू यानी कि 7। अगर मैंने आपसे नाम पूछा है आपका, तो आप अपना नाम ही बताओगे ना, कोई और थोड़ी बताओगे। अब इसमें जगह पूछी थी इसलिए हमें जगह बता दी, इसमें फेस वैल्यू मतलब कि नाम पूछा है, तो आपका नाम तो आपका ही रहेगा, इसीलिए 7 क्या रहेगा, 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी होगी। तो 7 की फेस वैल्यू 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी, 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी। ऐसे ही अपने को क्वेश्चन करके देखिए हम राइट आप प्लेस वैल्यू, वो क्या पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है, यानी कि प्लेस वैल्यू कौन सी जगह पर बैठा हुआ है, एंड सर्कल डिजिट, जो सर्कल जिनका सर्कल बना हुआ है उनकी बताना है 237 मतलब कि 237, इसमें 7 कौन सी जगह पर बैठा हुआ है, 7 फर्स्ट प्लेस पे बैठा हुआ है, 7 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, इसीलिए 7 को एज इट इज लिखा हमने। नेक्स्ट है 543, अब देखो 1 10, अब 4 कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, 10th प्लेस पे बैठा हुआ है 1 10, तो ये क्या हो गया 4 10, 4 के पीछे कितने डिजिट,